नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको पेट के गैस बनने की समस्या के छुटकारा पाने के कुछ ऐसे बेहतरीन घरेलू आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पेट में गैस बनने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, अजवाइन का उपयोग। अजवाइन में एक थोमाइल नामक यौगिक होता है जो गैस्ट्रिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को पेट में गैस बनने की समस्या हो गई है तो उस व्यक्ति को गर्म पानी के साथ एक चम्मच अजवाइन का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने से पेट में गैस बनने की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर दो, जीरे का उपयोग। गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप जीरे का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जीरे में मौजूद आवश्यक तेल लार ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र बेहतर होता है और गैस्ट्रिक एसिड की समस्या नहीं होती है। नंबर तीन, हींग का उपयोग। पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लोग हींग का उपयोग भी कर सकते हैं। हींग पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक रामबाण की तरह कार्य करती है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन तंत्र को अच्छा बनाते हैं और आपका जल्दी हाजमा करते हैं। नंबर चार, अदरक। पेट में गैस की समस्या से बचने के लिए एक चम्मच ताज़ा अदरक को लेकर उसे पीस लें। उसको पीसकर एक चम्मच नींबू के रस के साथ खाना खाने के बाद उसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको पेट में गैस की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर पाँच, नींबू और बेकिंग सोडा। गैस की समस्या से राहत पाने के लिए एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच बेकिंग सोडे को एक कप पानी में घोल लें और खाना खाने के बाद उसे पी लें। ऐसे पीने से आपके पेट की समस्या से, यानी कि पेट की गैस की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर छः, इलायची। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक पिसी हुई इलायची को हींग, सूखा अदरक और काले नमक के साथ 5 ग्राम के बराबर अनुपात में मिलाएं। अगर आपको पेट की गैस की समस्या अक्सर होती है तो आपको इस मिश्रण को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपको पेट में गैस बनने की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर सात, छाछ। अगर आपको पेट में गैस बनने की समस्या होती है तो दोपहर में खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ में भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर उसे पी लें। उसे पीने से आपको पेट में गैस बनने की समस्या से भी आसानी से छुटकारा मिलता है, आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। नंबर आठ, जीरा। गैस की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती का रस 1 गिलास पानी में मिला लें। पेट में गैस बनने पर आप इस मिश्रण को दिन में 2 बार पी सकते हैं। इसे पीने से पेट की गैस की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर नौ, खाना चबा चबा कर खाना। खाना चबा चबा कर खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इससे पेट में गैस नहीं बनती है, इसके अलावा आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिसकी वजह से आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। नंबर 10, सौंफ। सौंफ पेट में गैस बनने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप लोग अपना खाना खाने के बाद 1 या 2 चुटकी सौंफ खा लेते हैं तो आपको पेट में गैस बनने की समस्या नहीं होती है, खाना जल्दी हजम हो जाता है और पेट भी अच्छा रहता है। नंबर 11, सेब का सिरका। सेब का सिरका भी पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि अगर आपको पेट में गैस बनती है तो आप गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेब का सिरके मिलाएं और आप उसे पी लें। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं, यह थोड़ा खट्टा होता है तो इसे आप पी लें, लेकिन पीने के बाद आपको गैस की समस्या नहीं होगी। नंबर 12, पुदीना। पुदीना या पुदीने की चटनी खाना खाने के साथ आपको पेट में गैस बनने की समस्या से छुटकारा दिलाती है, तो अगर आपको ये परेशानी है तो पुदीने का सेवन ज़रूर करें। नंबर 13, लौंग। पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लौंग का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप लौंग को शहद के साथ सेवन करते हैं तो पेट में गैस की समस्या, कब्ज की समस्या और पाचन की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 14, लहसुन।
पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लहसुन की चटनी या लहसुन को भूनकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन को शहद के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन को सुबह के समय खाली पेट कच्चा भी खा सकते हैं। यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 15, दालचीनी। दालचीनी का उपयोग करने के लिए एक कप गरम दूध में आधा चम्मच दालचीनी मिलाएं और उसे अच्छी तरह से मिलाकर पी लें। इसे पीने से भी आपके पेट के दर्द की समस्या, पेट में गैस की समस्या, कब्ज की समस्या आदि संबंधित समस्याएं भी आसानी से ठीक हो जाती है। नंबर 16 की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कई तरह के योग कर सकते हैं। बाला आसन, मर्जरा आसन, वज्र आसन, ये तीनों आसन आपको पेट में गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। नंबर 17, पेट में गैस की समस्या को छुटकारा पाने के लिए आप पैदल चलें। जितना पैदल चलेंगे उतना ही आपका पेट अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और पेट के अलावा कई और समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसलिए अगर आप पैदल चलते हैं, हर रोज़ 30 मिनट भी अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हमें ऐसे ही लाइक करते रहे ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और हेल्थ से जुड़ी वीडियो लाकर देते रहें।